डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, किसी व्यक्ति की देशभक्ति का अनुमान उसकी इच्छा से लगाया जा सकता है, और यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद भी अपने देश के जर्रे जर्रे में समा जाने की इच्छा रखता हो तो उसके बारे में निसंदेह यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति एक महान देशभक्त है। ऐसे ही एक महान देशभक्त थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने न केवल देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की थी, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करते हुए इसे विकास के पथ पर अग्रसर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अपने देश से कितना प्रेम करते थे, इसका अनुमान उनकी आत्मकथा में प्रकाशित उनके विचारों से होता है। उन्होंने लिखा था, मैं चाहता हूँ कि मेरी भस्म का शेष भाग उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान कड़ी मेहनत करते हैं, ताकि वह भारत की धूल और मिट्टी में मिलकर भारत का ही अभिन्न अंग बन जाए। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में उनके पैतृक घर आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध एवं धनाढ्य वकील थे। उनकी माताजी का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। समृद्ध परिवार में जन्म लेने के कारण उनका लालन पालन शाही तरीके से हुआ था। उन्हें विश्व के बेहतरीन शिक्षण संस्थानों से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, किंतु उनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा आयरिश और बेल्जियन शिक्षक फर्डिनेंड ब्रूक्स का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लंदन के हैरो स्कूल से पूरी की। उसके बाद कॉलेज की शिक्षा उन्होंने लंदन के ही ट्रिनिटी कॉलेज से पूरी की। वहां उन्होंने प्रकृति विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके विषय रसायन शास्त्र, भूगर्भ विद्या तथा वनस्पति शास्त्र थे। कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद कानून में कैरियर बनाने के दृष्टिकोण से उन्होंने लंदन के विश्व प्रसिद्ध कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री प्राप्त की। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वे वर्ष 1912 में भारत लौटे और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। वर्ष 1916 में उनका विवाह कमला नेहरू से हुआ। वर्ष 1916 में नेहरू लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी के संपर्क में आए। वर्ष 1917 में जवाहरलाल नेहरू होम रूल लीग में शामिल हो गए। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में जब महात्मा गांधी ने एक अभियान शुरू किया, तब नेहरू जी उनके संपर्क में आए। गांधी जी के व्यक्तित्व एवं विचारधारा का नेहरू जी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने वकालत छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में उनके साथ हो गए। गांधी जी के प्रभाव से ही उन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को त्याग कर खादी कुर्ता एवं गांधी टोपी धारण करना शुरू किया। जब वर्ष 1920-22 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल बजाया, तो इसमें नेहरू जी ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पहली बार गिरफ्तार
कर जेल भेज दिया। वर्ष 1924 में वे इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तथा इस पद पर 2 वर्षों तक बने रहे। इसके बाद वर्ष 1926 में ब्रिटिश अधिकारियों से सहयोग की कमी का हवाला देकर उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव रहे पाई पेराचेंज। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस दिन लाहौर में स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए नेहरू जी ने भारतीय झंडा फहराया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नेहरू कुल 9 बार कारावास गए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अध्यारोपित होने के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में चुनाव करवाए तो नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगभग सभी प्रांतों में अपनी सरकार का गठन किया एवं केंद्रीय असेंबली में भी सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल की। वर्ष 1939 में भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में भेजने के ब्रिटिश सरकार के निर्णय के खिलाफ नेहरू जी ने केंद्रीय असेंबली भंग कर दी। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए जुलाई 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने नेहरू जी के नेतृत्व में 214 स्थानों में से 205 स्थानों पर जीत हासिल की। इसके बाद नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ पाई पेराचेंज। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इसके बाद लगातार 3 आम चुनावों वर्ष 1952, 1957 एवं 1962 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुमत से सरकार बनाई और तीनों बार वे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश के विकास के लिए उन्होंने सोवियत रूस की पंचवर्षीय योजना की नीति को अपनाया। उनकी नीति के कारण देश में कृषि एवं उद्योग का एक नया युग शुरू हुआ, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। देश के नौजवानों को कर्मठ बनने की प्रेरणा देने के लिए उन्होंने नारा दिया, आराम हराम है। उनकी उपलब्धियों एवं देश के प्रति उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1955 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था तथा बच्चों में वे चाचा नेहरू के रूप में प्रसिद्ध थे, इसलिए उनका जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेलों में नेहरू की व्यक्तिगत रुचि थी। एक देश का दूसरे देश से मधुर संबंध कायम करने के लिए वर्ष 1951 में उन्होंने दिल्ली में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन करवाया पाई पेराचेंज। नेहरू जी ने भारत की विदेश नीति के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने जोसेफ ब्रोज टीटो और अब्दुल
कमाल नासिर के साथ मिलकर एशिया एवं अफ्रीका में उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की। नेहरू कोरियाई युद्ध का अंत करने, स्वेज नहर विवाद सुलझाने और कांगो समझौते को मूर्त रूप देने जैसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में मध्यस्थ की भूमिका में रहे। पश्चिम बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया और लाओस जैसे कई अन्य विस्फोटक मुद्दों के समाधान में पर्दे के पीछे रहकर भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेहरू जी शांति के मसीहा थे। उन्होंने पंचशील सिद्धांत के साथ चीन की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन वर्ष 1962 में चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण कर दिया। नेहरू जी के लिए यह एक बड़ा झटका था और इसी वजह से 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। स्टॉप।